हेलो दोस्तों, मेरा विषय नहीं, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप 2018-19 के बारे में कि आप कैसे उसमें आप आवेदन कर रहे हैं। अगर आप दोस्तों प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक आप कोर्स कर रहे हैं, रेगुलर कोर्स, तो आप अगर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। हम आपको पूरा प्रोसेस समझाएँगे कि कैसे आप अपना जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किस डेट को क्या क्या जो टाइम टेबल होता है स्कॉलरशिप का, वो पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाई स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com। और दोस्तों, ये जो पोस्ट है यूपी स्कॉलरशिप 2018-19, आप हमारी जो वेबसाइट है gayatrijobs.com वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। इसमें पूरा आपको हम गाइड करेंगे कैसे आप अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो भर सकते हैं, और जो उसका टाइम टेबल है पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक का, जो स्कॉलरशिप का जो डेट है वो भी हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो लिंक दिए हुए हैं, सबसे पहले हम चलते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2018-19 के लिए, उसका जो टाइम टेबल है आप इस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो PDF है वो ओपन होगी। उसमें हमने पूरी जो टाइम टेबल है इसका वो दिया हुआ है, इसमें आप पूरा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। शैक्षिक सत्र 2018-19 में 10 छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति समूह 1, 2, 3, F4 में से संबंधित पाठ्यक्रम F कक्षा 11 व 12 योजनागत मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन लॉग करने F छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरित हेतु प्रस्तावित संशोधन समय सारणी के संबंध में ये जो लेटर है वो जारी किया गया, आप देख सकते हैं। इसमें नीचे आप चलेंगे थोड़ा सा तो आपको पूरा टाइम टेबल आपको यहाँ दिखा देते हैं। ये लिखा हुआ है प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्रवाई किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी योजना अधिकारी बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति से पासवर्ड प्राप्त करना, नवीनतम संस्थाएँ एवं मास्टर डाटा में संपूर्ण सूचनाएँ भरकर अपलोड कर जो करना है, डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना, ये जो कार्यवाही होनी है। तो ये जो डेट है उसकी 1 जून 2018 से 30 जुलाई 2018 तक चलेगी दोस्तों। नेक्स्ट, इसमें जो 31 जुलाई 2018 से 30 अगस्त 2018 तक जो कार्रवाई होगी वो यहाँ पर लिखी हुई है, संबंधित विश्वविद्यालय एवं अन्य अफिलेटेड एजेंसी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा 11-12 हेतु द्वारा शिक्षण संस्था पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना एवं परीक्षा परिणाम लॉगिन में यथास्थान अपलोड करना, जो कि 31 जुलाई 2018 से 30 अगस्त 2018 तक चलेगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि पूरी इन्होंने जो डेट शीट है पूरी दी हुई है, कब कब इनमें क्या क्या कार्रवाई होनी है, आपकी जो स्कॉलरशिप फॉर्म आप भरते हैं उसके बाद की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर दी हुई है। तो आप देख सकते हैं नीचे तक ये PDF दिया हुआ है, साथ में इन्होंने जो लिखा हुआ है प्रतिलिपि नियम की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मुख्य सचिव सचिव पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण वित्तीय नियोग नियोजन मान्य शिक्षा उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, यहाँ पर इन्होंने उनके जो डिपार्टमेंट है वो दिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं। तो इसमें ये उनका जो टाइम टेबल है पूरा दिया हुआ है तो आप देख लें। नेक्स्ट चलते हैं अपनी वेबसाइट पर ही। उसके बाद जो प्री मैट्रिक्स के लिए जो आवेदन हो रहे हैं उसका जो टाइम टेबल है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें भी पूरी जो उनकी कार्यवाही है किस किस डेट को क्या क्या होना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे कि हमने आपको पिछले उसमें बताया, सेम ऐसे ही इसमें दिया हुआ उसकी डेट और जो दिया हुआ है किस किस डेट को क्या क्या कार्यवाही होनी है, तो आप इसको PDF में भी जाके देख सकते हैं। तो इसमें डिटेल में दिया हुआ है जैसे पिछली भी जो PDF है हमने आपको दिखाया। और वापसी चलते हैं अपनी वेबसाइट पर ही, आपको जो इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल आवेदन चल रहे हैं यहाँ पर भी हमने टाइम टेबल दिया हुआ है, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं वो PDF में ये हमने टाइप करके आपको आपकी सुविधा के लिए दिया हुआ है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमने लिंक दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे और यहाँ पर समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर SC ST जनरल कैटेगरी
फ्रेश का जो अगर आप उसमें आते हैं तो इसमें आप क्लिक करेंगे, पिछड़ा वर्ग के लिए अगर आप कैटेगरी में हैं तो आप इन वाले उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे। अगर आप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आप इन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है जनरल कैटेगरी और एससी और एसटी के लिए, तो उसमें जो सबसे पहले प्री मैट्रिक फ्रेश अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेशर हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश जो कैंडिडेट हैं वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे, और पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप यूपी में एजुकेशन ले रहे हैं और स्कॉलरशिप चाहते हैं तो आप इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे हम प्री मैट्रिक पे लेके चलते हैं, आपको यहाँ पर ये फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको एज इट इज़ सब उसमें मिलेगा कैटेगरी में, तो आप सेम फॉर्म ही आपको भरना होगा अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और अपने जो प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक हैं आप तो उसके अकॉर्डिंग यही फॉर्म आपको मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है जिला जहाँ छात्र छात्रा अध्ययनरत हैं, जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पूरे जो सिटी हैं वो दिया हुआ है, और अपना जो वर्ग है वो आप सिलेक्ट करेंगे, जाति समूह कौन सा है, आप अनुसूचित जाति में आते हैं या अनुसूचित जनजाति में या सामान्य वर्ग में आते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना छात्र का नाम स्टूडेंट नेम आएगा, और उसके बाद आपके यहाँ माता का नाम और सामने उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपकी पिता का नाम आएगा, धर्म कौन सा है आपका, हिंदू है तो हिंदू सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेक्शन संस्था कौन सी है आपकी, बोर्ड कौन सा है, उस बोर्ड का आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जिस बोर्ड से आप अपना जो स्टडी कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे आप। नेक्स्ट उसमें जो आपका आप मेल हैं या फीमेल वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का जो वर्ष है आपका वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिस आपने 8 क्लास कौन सी सन में की है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका जो कक्षा 8 में अध्ययन करने वाले विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है दोस्तों, जिस भी आपने 8 क्लास जो कौन सी भी स्कूल से की है वो आप नाम उसका एंड टाइप करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद एसटीडी कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना है, दूरभाष नंबर अगर टेलीफोन नंबर है आपके पास, उसके बाद आता है आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, और स्वनिर्मित पासवर्ड डालें जो कि आपको जो कि दोबारा से अगर आपको लॉगिन करना है अपना स्टेटस जो है वो चेक करेंगे तो उसके लिए आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लेंगे, तो पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे 17 नंबर उसमें, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है सेम टू सेम, जो कि मिस मैच ना हो, एक ही पासवर्ड आपको सेम टू सेम दोनों उसमें डालना होगा। और नेक्स्ट उसमें जो आपको दिया हुआ है ऊपर दिया गया कोड नीचे बॉक्स में टाइप करें, तो जो ये कोड दिया हुआ है वही कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना है, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद दोबारा से आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो जिसमें अपना यूज़र नेम जो कि ईमेल आईडी आप डालेंगे और अपना पासवर्ड जो आप इस फॉर्म से बनाओगे वो डालने के बाद, तो आपका जो फॉर्म है जो भरा हुआ है उसका पूरा स्टेटस आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आपको अपनी जो फोटो अपलोड करनी होगी, और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पूछे जाएंगे दूसरे फॉर्म में वो आपको फिल कर देने होंगे। तो दोस्तों ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आप अपना जो छात्रवृत्ति के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और नेक्स्ट उसमें जो आप प्री मैट्रिक से पोस्ट मैट्रिक में आप आवेदन करना चाहते हैं तो दोबारा से आप इसी स्टेप को ही आप फॉलो करेंगे तो आप पोस्ट मैट्रिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इंटरमीडिएट फ्रेशर अगर इंटरमीडिएट में आप आवेदन करना चाहते हैं, स्टडी कर रहे हैं आप इंटरमीडिएट में तो उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वही सेम फॉर्म यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, तो इसी तरह से आपको ये फॉर्म भरना है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।